3.5 का क्वेश्चन 4 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, ओके। तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है वो हम रीड कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन है, इस प्रॉब्लम को हमें पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। फिर लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और वो भी किसी भी अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तीनों में से किसी से, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे की चीज बाद में करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन कहता है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस, जो बच्चा है वो 40 मार्क्स लेकर आता है टेस्ट में, और 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और उसे राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है। अगर एक आंसर उसका राइट है तो उसे 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज वो कहता है एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, वो कहता है 1 मार्क को लूज कर देगा, वो भी 1 रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each correct answer. वो कहता है कि 4 marks उसे मिल गए थे पहले कभी correct answer के लिए और 2 marks कट गए थे incorrect answer के लिए। तो इस ऐसे केस में उसे 50 marks मिले थे। अब वो कहता है how many questions were there in a test? कि कितने questions थे test में? ठीक से पहले हम लोग क्या काम करेंगे? Consider करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट्स कंसीडर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है, हमने लिख दिया एक्स, और नंबर ऑफ रॉन्ग या इन रॉन्ग इन करेक्ट आंसर हमने कंसीडर किया वाई। मान लेते हैं उसने करेक्ट आंसर x दे दिए, ठीक है, यानी 10 करेक्ट आंसर दे दिए और 5 रॉन्ग आंसर दे दिए, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। बट क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है और वही हमें फाइंड करनी है, तो हमने x और y ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, उसने बोला 3 मार्क्स उसे करेक्ट आंसर के लिए मिले। अब ध्यान से समझना, ये मैं लिख रहा हूँ 3। अब क्यों लिख रहा हूँ, मान लेते हैं एक करेक्ट आंसर है तो 3 नंबर मिल गए, 2 करेक्ट आंसर होंगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे, 10 करेक्ट आंसर होंगे तो 30 नंबर मिल जाएंगे, और 50 करेक्ट आंसर होंगे तो 150 मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई एक्स। नेक्स्ट माइनस वाई, अब 1 मार्क उसे मिल रहा है किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए, और टोटल उसे मार्क्स मिले 40, मतलब ये कि सही मार्क्स के नंबर में से रॉन्ग मार्क्स के नंबर को माइनस कर देंगे तो उसे टोटल मार्क्स 40 मिलेंगे, ठीक है। तो इसको मान लें क्वेश्चन 1। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट इक्वेशन भी बना लेनी है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कहता है 4 मार्क्स सही है और 2 मार्क्स गलत है, तो इसको हमने क्वेश्चन बना लिया, इसको लिख लिया क्वेश्चन। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है नहीं सर हमें करके दिखा दो, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन 2, 4x यहीं पे, 2y यहीं पे, 50 यहाँ पे, 2y उधर शिफ्ट करेंगे, ये हो गया 50 प्लस 2y, और हमने क्या काम करा, x यही रहने दिया, 50 प्लस 2y अपॉन 4 कंसीडर एज इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन वन क्या है, 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 40, 3x की जगह पे 50 प्लस 2y अपॉन 4 माइनस
मल्टीप्लाई करेंगे 150 ग्रेटर देन 6y अपॉन 4। अब ध्यान से समझ रहे हैं नंबर कहां से आया। कभी भी न्यूमरेटर बाहर हो ब्रैकेट के, ठीक है, यानी ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा हो और उस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो तो उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। बट ध्यान रहे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 3 को 4 से भी कर दोगे और 3 को 50 और 2 से भी कर दोगे, नहीं। ऐसा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये चीज नहीं करना। ये न्यूमरेटर है और ये न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होगी, डिनोमिनेटर से नहीं होगी, ठीक है। डिनोमिनेटर की कब होगी, जब नीचे यानी डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा, ठीक है। तब माइनस का 1y = 40, इसके साथ एलसीएम ले लेंगे तो 150 + 6y = 4y/4 = 40। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2y और 4 × 4 = 16, तो ये आ गया 160। 150 को उधर ले गए तो ये हो गया 160 - 150, ये हो गया 10। y को यही रहने दिया 2 इधर, तो ये आ गया 5। अब y की वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन 3 में, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, 5 + 2y, y की वैल्यू कितनी है 5/4, है ना, 2 × 5 = 10 अपॉन 4, और इसको एड ऑन करा तो कितना आ गया, ये आ गया 60। इसको सॉल्व करा तो 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, एक्स आ गया 15, यानी कि उसके करेक्ट आंसर है 15 और उसके रॉन्ग आंसर है 5। अब चेक करेंगे कैसे, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये बनाई थी ना, ध्यान से समझना, हमारा इसको सॉल्व करने पर 40 आना ही चाहिए, तो करेक्ट आंसर कितने हैं 15 के लिए उसे 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर हमारा कितना है 5 है, यानी 5 × 5 है ना, और हमें कितना चाहिए 40 आना चाहिए, 15 × 45, 5 × 5 कितना आ गया 40 = 40, LHS = RHS आ गया ना, तो मतलब ये कि हमारी x और y की वैल्यू सही है और हमारी जो इक्वेशन हमने बनाई वो भी सही है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर